नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वोटिंग है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज उन जगहों पर वोटिंग होनी है जिसे मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। और इसीलिए आज बेहद खास है ये पूरी वोटिंग, खास तौर पर लखनऊ में वोटिंग होनी है। क्या होगा लखनऊ में, इस पर होगी हमारी नजर। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन आइए सबसे पहले आपको गोमती रिवर फ्रंट का ये नज़ारा सुबह 7 बजे का दिखाते हैं। गोमती रिवर फ्रंट, जिसे बहुत डिवेलप किया गया है पिछले दिनों, दोनों ही हिस्सों में इस तरह से लोगों के लिए इसे बनाया गया है ताकि इस वक्त किसी भी टाइम वो आ सकें। हालांकि पानी का रंग आपको दिखाएं तो बहुत अंदर में गंदगी दिखाई देती है, लेकिन कम से कम बाहर से चमका दिया गया है इसे। और इसी रिवर फ्रंट से आप हमारी ये विशेष पेशकश, ये विशेष बुलेटिन आज देखेंगे। जहां जहां से वोटिंग की तस्वीरें आएंगी, सबसे पहले आज तक पर आप देखेंगे। हमारे सहयोगी हर जगह मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जिसमें अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर ध्यान रखिएगा, सैफई यानी मुलायम सिंह यादव का गांव। अब इटावा में जसवंत नगर सीट है दरअसल, जिसमें सैफई गांव है, और वहीं पर मुलायम सिंह यादव का पूरा किला माना जाता है। उनकी सियासी जमीन इसी सैफई से बनी, यहीं से बाहर निकले और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सत्ता पर वो काबिज हुए। आज वोटिंग होनी है, मतदान 7 बजे शुरू हो गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप इन सीटों पर हैं जहां आज वोटिंग हो रही है, कानपुर से लेकर कन्नौज, इटावा, इन तमाम, ये पूरा मैनपुरी का जो बेल्ट है लखनऊ तक, यहां पर आज वोटिंग हो रही है, जरूर वोटिंग के लिए जाइए। मतदान इस बीच शुरू हो चुका है, 7 बजे ही शुरू हो चुका है, और इस पर भी लोगों की नजर आजकल रहती है कि सबसे पहला वोट किसने डाला, क्योंकि याद रखिए उसको इनाम दिया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो ये वोटिंग का दौर, मतदान का दौर शुरू हो गया है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बालकृष्ण जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और इसी के साथ सबसे पहले दिलचस्प है कि मैं कुमार विक्रांत, जो कि सैफई में इस वक्त मौजूद है, उनके पास चलूंगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, जो शिवपाल यादव के घर पर है। याद रखिए यहाँ पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि शिवपाल यादव अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, ये शायद सबसे बड़ी परेशानी है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के लिए। हालांकि मुलायम सिंह यादव बार बार ये कहने की अब कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन जनता कितना इसे मानेगी, और जो पूरा फैमिली ड्रामा चला है उसको भी सब देख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, अलग अलग सहयोगी हमारे अलग जगहों से जुड़ेंगे, जिसमें बालकृष्ण हमारे साथ लखनऊ कैंट से जुड़ेंगे। नाउ लखनऊ कैंट जहाँ पर मायावती आज वोट डालने वाली है, दिलचस्प मुकाबला हर सीट पर। यहाँ पर सरोजनी नगर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि शिवेंद्र श्रीवास्तव है। सरोजनी नगर याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर स्वाति सिंह, जिसने एक वक्त पर मायावती को ललकारा था, पति ने दरअसल सबसे पहले अपशब्द का इस्तेमाल किया था मायावती के लिए, मायावती ने उस पर देश की संसद में बोला, एक बार फिर से वो स्वाति सिंह और अनुराग यादव उनको मुकाबला दे रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे, भाई हैं, चचेरे, और शिव शंकर सिंह बीएसपी की तरफ से हैं। सबसे पहले आइए आपको लिए चलते हैं, रीमा पराशर हमारे साथ लखनऊ ईस्ट से इस वक्त जुड़ रही हैं। लालजी टंडन यहां पर कुछ देर में वोट करने आएंगे, बहुत दिलचस्प है रीमा। ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी से, रविदास मेहरोत्रा यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, और कांग्रेस से अब्दुल मरूफ खान। कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर लखनऊ ईस्ट में क्या होता हुआ दिख रहा है। देखिए अंजना, बिल्कुल जाहिर तौर पर लालजी टंडन, जिनकी जोड़ी मानी जाती थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ और पूरे लखनऊ में ही एक तरीके से हम कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था, तब भी ये जो सीट थी ये बीजेपी अपने कब्जे में ले पाई थी। उनके बेटे गोपाल टंडन, जिनको इस बार भी बीजेपी ने टिकट दिया है, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और हम एक तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि पीछे ये जिस स्कूल में आज का ये वोट डालने के लिए लालजी टंडन अपने बेटे के साथ यहाँ पर आएंगे, उस पर जो नेम प्लेट लगी है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन की तरफ से ही लगी हुई है। दोनों की जब ये एक जोड़ी मानी जाती थी कि पूरे लखनऊ शहर में एक डंका था, और बीजेपी काफी हद तक लखनऊ में इन दोनों के नाम से काफी जाने जाती थी, उन्होंने इस स्कूल का जो हम कह सकते हैं जीर्णोद्धार करवाने का काम किया। लेकिन अब जाहिर तौर पर 114 नंबर की जो वोटर लिस्ट में नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का, वो तो
नहीं आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन लालजी टंडन कुछ देर में जरूर आएंगे, क्योंकि बेटों को, बेटियों को और दामाद को जिस तरह से इस पूरे फेरिस्त में टिकट दिए गए बीजेपी की तरफ से और वो चीज लखनऊ में भी देखने को मिली, तो जाहिर है कि वो बात क्या अब लालजी टंडन के बेटे और बीजेपी लखनऊ की सीटों से आजमा पाएंगी और क्या इस बार किस्मत रंग रहेगी, ये कुछ ही देर में अब जब वोटर लिस्ट यहां पर बन चुकी है और लोग भी आने शुरू हो गए हैं तो उसी से पता लग जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें जो इससे पहले आई थी और इस बार कितनी वोटिंग होती है, कितना मतदान होता है, इस पर भी नजर रहेगी। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सैफई में, उस हिस्से से जहां मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पूरा एक कह लीजिए कायनात इनका बसा हुआ है और अभिषेक शिवपाल यादव के। बहुत दिलचस्प है आप दोनों से बात करना, क्योंकि कुमार अभिषेक हमारे साथ, माफ कीजिएगा, वहां से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत दिलचस्प है, ये वो जगह है जहां से चाहे पूरे उत्तर प्रदेश से वोट होकर सीएम बनेगा, लेकिन ये वो जगह है जहां पर शिवपाल यादव अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, नींद उड़ा रखी होगी इस बात ने अखिलेश यादव की। अभिषेक, देखिए अंजना, तमाम नजरें इस वक्त जो टिकी हुई हैं वो कह सकते हैं इस चरण में अखिलेश यादव पर टिकी हुई हैं, शिवपाल सिंह यादव पर टिकी हुई हैं कि आखिर इटावा के इस जसवंत नगर सीट का क्या होता है। ऐसी सीट है जहां जहां पर पिछले 11 बार से कह सकते हैं 7 बार खुद मुलायम सिंह ने इस जसवंत नगर सीट का प्रतिनिधित्व किया, 4 बार से शिवपाल सिंह यादव इस जगह से जीत रहे हैं। लेकिन जितनी गहमा गहमी इस बार है, जितनी नजरें इस बार टिकी हैं, ऐसा पिछले पिछले कभी नहीं हुआ था, पिछले कभी चुनाव में नहीं हुआ था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार देखिए न तो अखिलेश यादव यहां प्रचार करने आए हैं, जबकि शिवपाल सिंह यादव जब से चुनाव है तब से सिर्फ और सिर्फ जसवंत नगर में टिके हुए हैं। कहीं ना कहीं भीतरघात का खतरा, भीतरघात का शक मंडरा रहा है और इस बात की चर्चा खुद शिवपाल सिंह यादव अपने कई मीटिंग्स में भी कर चुके हैं। पहले उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में वो उससे पीछे हट गए। अपने भतीजे शिवपाल सिंह अखिलेश यादव के साथ पैचअप करने की भी कोशिश दिखाई दी, लेकिन इस वक्त जो ये पूरा इलाका है इटावा, मैनपुरी, साथ साथ कानपुर देहात, कन्नौज, इस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं, क्योंकि तकरीबन 69 सीटों में 50 से ज्यादा सीटें इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास हैं और ये चरण जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है अगर उन्हें सत्ता में आना है। और यहीं पर सबसे ज्यादा लड़ाई इस बात पर टिकी है कि क्या कहीं कोई भीतरघात होता है या उसे किसी तरीके से पार्टी बचा ले जाती है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने तमाम जगहों पर प्रचार किया है, लेकिन सिर्फ जसवंत नगर नहीं आए हैं। ऐसे में कुछ देर बाद शिवपाल सिंह यादव निकलेंगे वोट करने। देखना यह है कि मुलायम सिंह यादव क्या शिवपाल सिंह यादव के साथ जाकर यहां वोट करते हैं कि नहीं, या पूरा परिवार एक साथ जाता है, इस पर भी तमाम नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है अंजना कि क्या ये जो सीट है इस पर कोई भीतरघात होगा या इस पूरे इलाके में कहीं कोई और चीजें अंदरूनी तौर पर चल रही हैं कि नहीं। अंजना, बिल्कुल, अब अभिषेक, ये भीतरघात फिर सिर्फ सैफई तक नहीं रहेगा, क्योंकि याद रखिए शिवपाल यादव भी चुनावों के वक्त एक अहम भूमिका, लगभग हर पोलिंग बूथ में जो समाजवादी पार्टी की आप कह लीजिए एक प्रेजेंस होती है या फिर जिस तरह से वो स्ट्रैटेजी प्लान करते थे चुनावों के वक्त, ये सब महत्वपूर्ण होगा। अगर पूरी तरह से वो हाथ खींच लेते हैं तो कितना प्रभाव इसका समाजवादी पार्टी पर, इस पर रखेंगे नजर। लेकिन इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बालकृष्ण, हमारे सहयोगी लखनऊ कैंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, एक और सीट जो कि एक तरफ ग्लैमर भी है तो दूसरी तरफ विरासत भी है, दिलचस्प है अपर्णा यादव के लिए। यहाँ पर डिंपल यादव ने भी कैंपेनिंग की, वो आई, लेकिन अंदर ही अंदर कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल है वो खुलकर अपर्णा यादव को बैक नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो आपसी मतभेद है वो कब कब किस किस तरह से दिखा, और दूसरी तरफ रीटा बहुगुणा जोशी, क्या लोग इस बात को समझ पाएंगे, अपना पाएंगे कि कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में आ गई भाई की तरह, और क्या यहां पर वो कुछ कर पाएंगी लखनऊ कैंट में, क्योंकि एक वक्त था जब कहा जाता था जमीनी पकड़ बहुत है, अब कितनी। अंजना,
अंजना, मैं आपको अपर्णा यादव के बारे में बताऊं, उससे पहले जिस आपको इस बूथ के बारे में बताऊं जहां हम लोग इस वक्त खड़े हैं, यहां पर रीता बहुगुणा जोशी जो कि लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं, उनका अपना वोट है, और यहीं पर कुछ यहां से चंद कदम दूर है सचिवालय, और यहीं से चंद कदम दूर है मायावती का घर, और मायावती का अपना जो वोट है वो भी इसी जगह पर है। हालांकि ये जो इलाका है जिस जगह पर यह बूथ है ये लखनऊ सेंट्रल में आता है, लेकिन दोनों लोगों का मायावती का वोट और रीता बहुगुणा जोशी का वोट इसी मतदान केंद्र पर है। और खास तौर पे जब मायावती यहां पर वोट करने आएंगी, लंबे समय से यही उनका बूथ है, तो जरूर जब वो नाम देखेंगी तो जरूर उनको नाराजगी होगी, कुछ गुस्सा आएगा मन में, और उसकी वजह यह है कि यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बृजेश पाठक हैं, जो लंबे समय तक बीएसपी से जुड़े हुए थे, मायावती के एक वक्त क्लोज समझे जाते थे, अब उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर हैं, तो उसको देखकर जरूर मायावती नाराज होंगी। रीता बहुगुणा जोशी अपना वोट उनका यहां पर है, लेकिन मुकाबला उनका लखनऊ कैंट में है और कड़ा मुकाबला है। पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने वो सीट जीती थी, लेकिन इस बार सामने जो है वो मुलायम सिंह की छोटी बहू आ गई हैं, और परिवार का झगड़ा अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो कुछ पिछले कुछ दिनों में पूरे परिवार ने ताकत लगाई है, खुद अखिलेश यादव ने वहां पर जाकर कैंपेनिंग की है, और अपर्णा यादव इस बात को भूल करके वो मुलायम सिंह की बहू है, उन्होंने काफी मेहनत की है, तो बहुत दिलचस्प मुकाबला लखनऊ कैंट से देखने को मिलेगा। अंजना, बिल्कुल शिवेंद्र के पास चलते हैं। शिवेंद्र, सरोजनी नगर सीट पर एक और बेहद दिलचस्प सीट शिवेंद्र, क्योंकि स्वाति सिंह ने मायावती को ललकारा, हालांकि झगड़ा पहले पति की वजह से शुरू हुआ, उनके बयान की वजह से शुरू हुआ, लेकिन फिर स्वाति सिंह अग्रेसिव हो गई, और यहां पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चचेरे भाई क्या होता दिख रहा है, बीएसपी से शिवशंकर। देखिए, जो सरोजनी नगर सीट है वो बेहद अहम है हर पार्टी के लिए, क्योंकि ये यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है जहां सबसे ज्यादा वोटर हैं, और ये सबके लिए प्रतिष्ठा की भी बात है, क्योंकि स्वाति सिंह जिनको अभी 6 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था वो यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के लिए बहुत अहम की बात है क्योंकि यहां पर उनको सीट निकालना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ लेकिन इतिहास ये भी रहा है कि बीजेपी कभी यहां से जीती नहीं है काफी पिछले सालों से, और यहां पर बीएसपी का इससे पहले शारदा प्रताप सिंह जो थे वो यहां से बीएसपी छोड़ के जा चुके हैं और आरएलडी की सीट पर लड़ रहे हैं, तो बीएसपी के लिए भी शंकरी सिंह जिनको दिया गया है यहां पर टिकट वो भी बेहद अहम है, और इसके साथ ही साथ जिनकी सरकार है, सपा की सरकार है, उनके जो चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, अनुराग यादव, वो यहां पर लड़ रहे हैं, तो सबके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन अभी साफ तौर पर नहीं कह सकता कि किस तरह का वो रहेगा, क्योंकि बीजेपी में जो सीट देने के दौरान विवाद पैदा हुए थे उससे स्वाति सिंह के खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं, स्वाति सिंह के सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो वोट किस तरह से टर्नआउट होता है वो भी देखने की बात होगी। रही बात अनुराग यादव की, अनुराग यादव को जब टिकट दिया गया उस वक्त भी यहाँ पर विरोध था काफी, क्योंकि ये परिवारवाद को लेकर के आरोप लगे थे, और उस बीच जब अनुराग यादव को टिकट दिया गया तो सरकार के लिए भी प्रतिष्ठा की बात बन गई, और बसपा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां हमेशा वो काबिज रही है इससे पहले, और यहीं से जो शारदा प्रताप सिंह जीते थे वो मंत्री भी रहे थे, लेकिन जब बसपा से छोड़ करके वो गए, यहां से टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद उन्होंने आरएलडी का दामन थामा, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे यहां से जीतने के लिए, और बसपा ने जिनको टिकट दिया है उनको भी यहां से जीतना बेहद अहम होगा, और सबसे बड़ी सीट है और सबसे ज्यादा वोटर हैं, और देख सकते हैं आप वोटर भी यहां आना शुरू हो चुके हैं, और उन्होंने सुबह से ही यहां पर आकर के उत्साह दिखाना शुरू किया है वोट डालने का, तो ये बेहद अहम होगा कि किस तरह से यहां पर वोटर्स का टर्नआउट है और किसके पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं, क्योंकि सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है और हर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साख दांव पर जी बिल्कुल, साख दाव पर यहाँ पर इस सीट पर, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हुई है और जिस तरह से भाषणबाजी पाताल की सीमाओं को चीरते हुए नीचे पहुंची है इन जगहों पर, बहुत दिलचस्प होगा देखने। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अहमद अजीम रामगोपाल यादव के घर के बाहर से हैं और जहाँ पर वोटिंग हो रही है। अहमद, अगर वोटिंग के लिए लोग पहुँच रहे हैं तो वो नज़ारा भी दिखाइए, दिलचस्प है क्योंकि अब 7 बज चुके हैं, कुछ मिनटों में भारी तादाद में मतदाता, ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर मतदान के लिए पहुंचेंगे, लेकिन हम लखनऊ के रिवर फ्रंट में, आप वहां पर तस्वीर दिखाइए और साथ ही क्या होता दिख रहा है।
बिल्कुल अंजना, हम उस पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं जिसमें पूरा यादव परिवार वोट करने के लिए आएगा। मैं अपने कैमरामैन रितेश से कहूंगा कि वो जरा दिखाएं। कुछ वोटर्स हैं जो अभी अंदर जा चुके हैं वोट करने के लिए, और सैफई में जिस जगह ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ से थोड़ी दूर पर यादव परिवार, अखिलेश यादव का भी घर है, रामगोपाल यादव का भी घर यहाँ से थोड़ी दूर पर है, और 8 बजे तक ऐसा कहा जा रहा है कि रामगोपाल यादव आएंगे यहाँ पर वोट करने के लिए, और अखिलेश यादव जो है वो सीधे वोट करने आएंगे हवाई हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद वोट करके शायद यहाँ से चले जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिवपाल यादव काफ़ी देर तक रात में अपने जो जसवंत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें काफ़ी देर तक जो है वो मिलते भी रहे लोगों से, और वो भी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं वोट करने के लिए। टाइम उनका अभी जो है यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन रामगोपाल यादव के बारे में ज़रूरी कहा गया है कि 8:30 के बीच में वो वोट करने के लिए आएंगे। जी ठीक है। तो प्रोफेसर साहब जो वोट डालने आते हैं आज तक रहेगा वहां पे। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी शिव पूजन झा कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष मिश्रा इत्र की नगरी कन्नौज से हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ ही देर में मतदाता और भी तादाद में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन वोटिंग पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। इस बीच गोमती रिवर फ्रंट का पूरा नजारा एक बार जरा दिखा दें आपको। सुबह सवेरे का वक्त है, लखनऊ में बहुत सारे लोग इस वक्त दिख नहीं रहे हैं जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक या जॉग के लिए आए, लेकिन नजारा कुछ ऐसा ही है, एक हल्की सी धुंध की चादर है। और इन सब के बीच ये सवाल कि ये धुंध जब छटेगी तो लखनऊ किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे। आइए आपको दिखा रहे हैं हम अपनी ये विशेष पेशकश। मतदाता धीरे धीरे वोटिंग के लिए पहुंच रहा है, गोमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। दिलचस्प है, लखनऊ की अंगड़ाई से लोग कह रहे हैं इस बार 2019 की भी किस्मत और मुकद्दर तय होना है, और इसीलिए लखनऊ आज वोट करने के लिए निकलेगा। लेकिन इन तमाम इलाकों में अलग अलग जगहों पर हम ले चल रहे हैं आपको। फरुखाबाद से सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, वहां का नजारा क्या, मतदाता निकल रहे हैं सुबह सुबह, या फिर हम ये माने धीरे धीरे ही वोटिंग का दौर बढ़ेगा और दिलचस्प यहाँ का भी मुकाबला है? सुप्रिया बिल्कुल अंजना, और मतदाताओं में काफ़ी जोश है। आज सुबह से ही 7 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, लेकिन लोग जो है 6:30 बजे से ही पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हो गए। और जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो यहाँ के सिटिंग पहले MP थे सलमान खुर्शीद, उनकी पत्नी को टिकट ना देकर समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया है। अलायंस का विजय सिंह है, पहले निर्दलीय लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, और इस बार उनको टिकट दिया गया है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि भारी जो जरदोजी का काम करते हैं और साथ में यहाँ पर आलू की जो खेती होती है, ये दो मुद्दे लेके जो वर्कर्स हैं वो बाहर निकले हैं। उनका कहना है कि डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का कितना असर देखने को पड़ता है, ये जो किसान है और साथ में जो यहाँ पर मजदूर थे, खेत मजदूर थे, और दूसरी तरफ जरदोजी का जो काम करते हैं उन लोगों का। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मतदान करके आए हैं। आप मतदान करके आए, पहला आपके दिल और दिमाग में कौन सा चुनावी मुद्दा था, मुद्दा बताइएगा? मुद्दा विकास का मुद्दा था। हम चाहते हैं कि हमारे यूपी में अच्छा विकास हो और सड़कें अच्छी बने, पानी बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि हम लोग सही ढंग से रह सकें, जीवन यापन अच्छा कर सकें। जो इस नोटबंदी का कितना असर रहा? नोटबंदी का असर तो रहा यहाँ पर, और इससे बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ। तो ये कहना है यहाँ से अंजना फरुखाबाद से लोगों का कि नोटबंदी का भी असर हुआ है। सुप्रिया हम आएंगे आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। सुप्रिया, दरअसल ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर आलू की बहुत खेती होती है, आलू बल्कि मैनपुरी के आसपास तो लहसुन की भी बहुत खेती होती है। जो मंडियां यहाँ पर है वहां जाके पूछने पर नोटबंदी का काफी असर हुआ था, ये भी वहां पर किसान बताते हैं। कईयों ने तो नोटबंदी के बाद अपना अकाउंट खोला, क्योंकि जब वो सामान बेचने जाते थे, अपनी उपज बेचने जाते थे, तो उनको पैसा कहाँ मिलता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ये मुद्दे कितने हावी रहते हैं, और लखनऊ याद रखिए, लखनऊ में भी एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वोट के लिए जरूर निकलिए अगर आप इन इलाकों में रहते।